गाजा के समर्थन में जॉर्डन में मार्च हुआ है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मार्च में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। देखिए बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, गाजा के समर्थन में जॉर्डन में मार्च हुआ है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में ये मार्च हुआ है, जहां लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इधर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन चलाने का प्लान तब बनाया जब अमेरिकी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंच गई। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला किया। इस हमले में न सिर्फ अमेरिकी सैन्य बेस को नुकसान पहुंचा बल्कि उसके 3 सैनिक भी मारे गए। इसी के बाद सुपर पावर इंतकाम की आग में जल रहा है। हमले के बाद व्हाइट हाउस में हुई बैठक में बाइडेन ने अपनी सेना को ईरान पर हमला करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान की धरती तीसरे विश्व युद्ध का एपी सेंटर बनने जा रही है। जॉर्डन में जो कुछ हुआ है वो अरब विनाश की सबसे बड़ी वजह बन सकता है। ईरानी प्रॉक्सी ने जो कदम उठाया है उससे यमन के साथ साथ इराक भी खत्म हो सकता है। लाल सागर की लड़ाई ने उस वक्त परमाणु युद्ध का रूप ले लिया जब सीरिया बॉर्डर के पास जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया। ईरानी प्रॉक्सी ने जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर ड्रोन से धावा बोला। हमले में अमेरिका के 3 सैनिक मारे गए, 50 से ज्यादा जवान घायल हो गए। गाजा युद्ध शुरू हुए 4 महीने होने वाले हैं। ये पहला मौका है जब ईरानी प्रॉक्सी के हमले में अमेरिकी सैनिकों की जान गई। 17 अक्टूबर से लेकर अब तक सीरिया, इराक और जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर 150 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। अमेरिकी बेस पर हुए 150 से ज्यादा हमलों में अमेरिका के कई सैनिक घायल हुए थे लेकिन किसी की मौत नहीं हुई थी। चार महीने में ये पहली बार है जब ईरानी प्रॉक्सी के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। ईरानी प्रॉक्सी का ये वो हमला है जिससे अरब विनाश का संकट गहरा गया है। अमेरिकी सेना को पहुंची ये वो चोट है जिसकी वजह से तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद व्हाइट हाउस और पेंटागन क्रोध से भर गए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को मिली रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुए हमले के पीछे ईरान का हाथ है। ईरान की साजिश के बारे में बाइडेन को जैसे ही पता चला उन्होंने यमन के साथ साथ ईरान को भी मिटाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिकी बेस पर हुए हमले का परिणाम बहुत भयानक होगा। पेंटागन ने ऐलान किया है कि अमेरिका अपनी चुनी गई जगह और समय पर बदला लेगा। सुपर पावर की तरफ से यह ऐलान व्हाइट हाउस में बाइडेन और अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद किया गया। व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठकें हुई। मीटिंग में बदला लेने की न सिर्फ रणनीति बनाई गई बल्कि आसमान से लेकर जमीन और समंदर तक परमाणु विस्फोट करने वाले हथियारों की तैनाती कर दी गई। जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद वॉशिंगटन में 2 हाई लेवल मीटिंग हुई। पहली बैठक व्हाइट हाउस में हुई। यहां बाइडेन ने सैन्य अधिकारियों के साथ बातचीत कर प्रतिशोध के विकल्पों की जानकारी ली। इस बैठक के बाद दूसरी मीटिंग पेंटागन में हुई।
इसमें ईरानी प्रॉक्सी के साथ साथ हूती पर हमले का प्लान बनाया गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ईरान के खिलाफ सीक्रेट ऑपरेशन लॉन्च कर सकता है। इन दोनों बैठकों के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अपनी सेना को बदला लेने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश के बाद ही कई फ्रंट पर अमेरिकी सेना की मूवमेंट शुरू हो गई है। भूमध्य सागर में अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं। इनके नाम है आइजनहावर और निमित्स। ये दोनों एयरक्राफ्ट न्यूक्लियर मिसाइलों और बॉम्बर से लैस हैं। लाल सागर में अमेरिका ने एक और एयरक्राफ्ट कैरियर गिराल्ड आर फोर्ड को भेज दिया है। अमेरिका के ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर यमन और ईरान के करीब पहुंचने वाले हैं। इतना ही नहीं, बाइडेन ने ब्रिटेन में 15 सालों में पहली बार अपने न्यूक्लियर फोर्स को भेज दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि यमन के साथ साथ ईरान पर एक साथ कई फ्रंट पर हमले की तैयारी है। जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सेना एटमी हमला भी कर सकती है। समंदर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर बॉम्बर, ब्रिटेन में अमेरिका की न्यूक्लियर फोर्स हमले के लिए तैयार। पेंटागन से किसी भी वक्त आदेश जारी हो सकता है। इसके बाद अमेरिकी सेना यमन के साथ साथ ईरान पर भी बारूदी वज्रपात कर सकती है। ईरान पर आक्रमण का खतरा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि अमेरिका में ईरान पर हमले की मांग होने लगी है। अमेरिकी नेता हो या वहां के आम लोग, अमेरिका की बड़ी आबादी ईरान की बर्बादी चाहती है। जॉर्डन में 3 सैनिकों की मौत के बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल गया है। ट्रंप ने बाइडेन और उनकी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। ट्रंप ने सैनिकों की मौत के लिए बाइडेन को जिम्मेदार बताया है। इसके अलावा उन्होंने ऐलान कर दिया है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी। अमेरिका के अंदर बाइडेन पर बढ़ता यही वो दबाव है जो ईरान पर हमले की वजह बन सकता है। अमेरिका ईरान पर इसलिए भी हमला कर सकता है क्योंकि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। ईरान ने 3 नई सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ये सैटेलाइट्स क्यों लॉन्च की गई, इस बारे में तेहरान ने कोई जानकारी नहीं जारी की है। अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन को शक है कि इन सैटेलाइट की मदद से ईरान परमाणु परीक्षण कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व शस्त्र निरीक्षक और इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के चीफ के डेविड अल्ब्राइट के मुताबिक इस वक्त ईरान के पास 1 महीने में 6 एटमी हथियार बनाने की क्षमता है, जबकि 5 महीने में वो 12 न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। पर हमले करवाना और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाकर सुपर पावर के लिए खतरा पैदा करना, ईरान के यही वो दो कदम हैं जिससे अमेरिका भड़का हुआ है। इसी वजह से अमेरिका ईरान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच जिस तरह का तनाव है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि ईरान ही तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है। ईरान की धरती से ही एटमी विध्वंस की शुरुआत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और एक बड़ी खबर है, वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF का हमला हुआ। IDF के हमले में हमास का लड़ाका ढेर हुआ है। जेनिन में IDF का बड़ा ऑपरेशन जारी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां जेनिन में IDF ने किया है बड़ा हमला। वेस्ट बैंक के जेनिन में ये बड़ा अटैक किया गया है। ये देखिए, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, गोल घेरे में जिस शख्स की तस्वीर दिखा रहे हैं उसे कैसे शूट आउट किया गया है ये आप देख सकते हैं। लगातार जंग के बीच ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। जेनिन का ये वीडियो है जहां IDF ने बड़ा ऑपरेशन अपना चलाया है।
लाल सागर में भयानक जंग छिड़ने की आशंका तेज हो गई। एक तरफ से हूती लगातार टास्क फोर्स के जहाजों पर ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, दूसरी ओर ब्रिटेन और अमेरिका हूती से बदला लेने की तैयारी कर चुके हैं। यमन में हूती ठिकानों पर कभी भी एयर स्ट्राइक हो सकती है। अगर अमेरिका ब्रिटेन ऐसा करने में कामयाब हो गए तो ईरान युद्ध में उतर सकता है, जिससे पूरा अरब महायुद्ध की आग में झुलस सकता है। बड़ी खबर है, अमेरिका के फ्लोरिडा में भीषण सड़क हादसा हुआ। ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर के बाद आग लग गई। घायल ड्राइवर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और ये देखिए, आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इस हादसे की। देखिए कैसे आग लग गई है, धू धू कर पूरी गाड़ी जल रही है। ड्राइवर घायल है, अस्पताल में फिलहाल उसे भर्ती कराया गया है। अमेरिका की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ट्रैक्टर और ट्रेलर की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा, सड़कों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विजिबिलिटी इतनी कम है कि 50 मीटर भी देखना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरा मचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में धुंध छाई हुई है और धुंध की वजह से गाड़ी चलाने में काफी परेशानी हो रही है, इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। गाड़ी अगर आप चलाएं तो सावधानी के साथ चलाएं। जंग में यूक्रेन सरेंडर करने की कगार पर पहुंच चुका है। वजह है पुतिन ब्रिगेड का विध्वंसक प्रहार, युद्ध में घातक विनाशकों का इस्तेमाल। मगर इसी बीच यूक्रेन ने अपने ही इलाके में ऐसा अटैक किया जिससे उठी चिंगारी सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि यूरोप, यहां तक कि रूस को भी अपनी चपेट में ले सकती है। जी हां, ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ आखिरी दांव खेलते हुए ऑपरेशन फॉल फ्लैग को एक्टिव किया, जिसका मकसद है न्यूक्लियर महाविनाश। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। जबरदस्त ब्लास्ट जिसकी गूंज से कई किलोमीटर का इलाका थर्रा उठा, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए और प्रचंड ब्लास्ट के बाद आसमान में आग और बारूदी धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई देने लगा। दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन रीजन में आने वाले नोवा काखोवका डैम पर यह हमला किया गया। और जानते हैं इस आसमानी अटैक को किसने अंजाम दिया? ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड ने। हैरानी की बात यह है कि इलाका यूक्रेन का, नोवा काखोव का डैम यूक्रेन का, बावजूद इसके यूक्रेनी सेना ने इसे क्यों तबाह किया, क्यों विनाशक बमों से इस प्लांट को नेस्त नाबूद किया, तो इसकी वजह है रूस। दरअसल खेरसोन रीजन पर रशियन फौज का कब्जा है। इस इलाके में रूसी डिफेंस ने सैन्य अड्डे बना रखे हैं। जेपोरिजिया का पावर प्लांट भी रूस के कब्जे में है। नोवा प्लांट से जेपोरिजिया को पानी सप्लाई होता है। बस इसी के चलते यूक्रेन ने खेरसोन में मौजूद नोवा काखोवका डैम को विस्फोट में उड़ा दिया, उसे तबाह कर दिया, ताकि जेपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट में पानी की किल्लत बढ़ सके। के बीते साल जून महीने में रूसी डिफेंस ने खेरसोन रीजन में इसी डैम को मिसाइल अटैक में उड़ाया था। नीपर नदी पर बने करीब 3.2 किलोमीटर लंबे डैम की दीवार को नेस्त नाबूद किया था। और जानते हैं रूसी हमले के बाद बांध टूटने के साथ ही खेरसोन से जेपोरिजिया तक बाढ़ के हालात बन गए थे। लेकिन इस बार यूक्रेन ने नोवा काखोवका डैम पर खुद हमला किया, उसे तहस नहस किया, और इसकी वजह है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का परमाणु दांव। दरअसल यूक्रेन का जेपोरेजिया से खेरसोन तक का इलाका एक ऐसा एटमी जोन है जहां एक भी चिंगारी महाविस्फोट को अंजाम दे सकती है। सैकड़ों किलोमीटर का इलाका एक धमाके के साथ दहल सकता है, आग के धधकते शोलों में तब्दील हो सकता है।
खोवका डैम पर हमला करना जेलेंस्की की सोची समझी रणनीति है। वो ये कि हमले से डैम का हिस्सा डैमेज होगा, जिससे नीपर नदी का पानी लगातार बहने लगेगा और ऐसा लगातार जारी रहा तो जैपोरिजिया से खेरसोन तक या फिर कहीं आधे से ज्यादा यूक्रेन एटमी कोहराम से थर्रा उठेगा, क्योंकि काखोवका डैम में पानी का जो रिजर्वायर बनाया गया है वो जैपोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट तक पानी की सप्लाई करता था, जैपोरिजिया पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम से जुड़ा था। दरअसल काखोवका डैम टूटने के साथ ही नीपर नदी का पानी खेरसोन की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते रिजर्वायर का जल स्तर घट रहा है और ये किसी महाखतरे से कम नहीं है, क्योंकि नीपर नदी पर बना रिजर्वायर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये रिजर्वायर काखोवका डैम से जैपोरिजिया तक फैला हुआ है। रिजर्वायर जैपोरिजिया प्लांट के 6 रिएक्टर को कूलिंग करता है। रिजर्वायर में जल स्तर घटने से न्यूक्लियर प्लांट बंद हो सकता है, जिसका मतलब जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट में विनाशक ब्लास्ट, क्योंकि कूलिंग सिस्टम ठप होने से परमाणु रिएक्टर में प्रचंड विस्फोट होगा और देखते ही देखते जैपोरिजिया एटमी प्लांट से निकला रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा, अनगिनत लाशें बिछा देगा, बेहिसाब बर्बादी ला देगा। जिस तरह जंग में यूक्रेनी सेना बैकफुट पर है, जिस तरह रूस हावी है, ऐसे में जेलेंस्की के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, वो ये। जेलेंस्की का पहला दांव जैपोरिजिया प्लांट से रेडिएशन को लीक करवाना, जेलेंस्की का दूसरा दांव रूसी इलाकों में गुरिल्ला हमलों को अंजाम देना। बस इसी रणनीति के तहत जेलेंस्की ने पहले नोवा काखोवका डैम पर हमला किया और इसके साथ साथ मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग समेत कई रूसी इलाकों पर ड्रोन स्ट्राइक की, ताकि युद्ध के मोर्चे पर रूस को कड़ी टक्कर दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर आ रही है, रूस का MLRS से भीषण प्रहार हुआ। क्रांसी लीमन में यूक्रेनी सेना पर हमला किया गया। यूक्रेन के 50 सैनिकों में 30 की मौत की खबर है। यूक्रेन को कम समय में ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रूस ने घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। डोनेस्क में भी अब यूक्रेनी सैनिकों की हिम्मत जवाब देने लगी है। लगातार हमलों के बाद यूक्रेन के सैनिकों ने 6 मोर्चों को खाली कर दिया है। इस इलाके में यूक्रेन के 300 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के कमांड पोस्ट को तबाह करने के लिए रूस FAB-500 जैसे बॉम्ब का इस्तेमाल कर रहा है। कई एयर डिफेंस खाली होने के बाद से रूस के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर अब यूक्रेनी सैनिकों पर कहर बरपा रहे हैं। आसमान में सुपरसोनिक स्पीड वाला फाइटर जेट Sukhoi-34 और उसके कुछ देर बाद यूक्रेन की जमीन पर यह बारूदी जल जाए। रूस ने एक बार फिर अपने महाशक्तिशाली बम का इस्तेमाल किया और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका तबाह हो गया। ये FAB-500 बम का धमाका था। रूस के Sukhoi-34 ने इस बम को यूक्रेन के क्रासनोलिमस्क इलाके में गिराया। रूस की एयरोस्पेस फोर्स ने यह हमला किया। टारगेट पर यूक्रेन का कमांड पोस्ट और सैनिक थे। हमले के लिए FAB-500 अनगाइडेड बम का इस्तेमाल किया गया। एक ही प्रहार से 10 बमों जैसा विस्फोट। एक धमाके में ज्यादा से ज्यादा बड़े इलाके में तबाही। ताबड़तोड़ प्रहार की जगह घातक हथियारों का इस्तेमाल। रूस की स्ट्रेटेजी से साफ है कि अब पुतिन और इंतजार नहीं करना चाहते। दुनिया कुछ भी कहे, अब पुतिन को परवाह नहीं।
रूस अब प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल में भी संकोच नहीं कर रहा। यूक्रेन से ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं जिससे जाहिर होता है कि रूस अब घातक हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन पर थर्मोबैरिक बम और वाप 500 जैसे बम का इस्तेमाल हो रहा है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल तो अब खुलकर किया जा रहा है। किंजल और इस्कंदर जैसी घातक मिसाइल का इस्तेमाल तो कई बार हो चुका है। यूक्रेन के कई इलाकों में एयर डिफेंस खाली हो चुके हैं। यूक्रेन की जमीन पर एयर डिफेंस की तैनाती तो है, लेकिन रशियन फाइटर जेट पर प्रहार के लिए मिसाइलों की कमी। रशियन एरोस्पेस फोर्स इसी का फायदा उठा रही और सुखोई 34 जैसे फाइटर जेट बार बार यूक्रेन की सीमा में घुसकर प्रहार कर रहे हैं। अवदिवका में रूसी सेना लगातार आगे बढ़ रही। अवदिवका में रूस के 40,000 सैनिक तैनात। अवदिवका को कई हिस्सों में बांटकर हमले की रणनीति। डोनेस्क में भी रूस की सेना यूक्रेन पर हावी हो गई। पिछले 5 दिनों से लगातार हमले के बाद इस इलाके में रूस को बड़ी कामयाबी मिली। रूस के ताबड़तोड़ हमले के बाद बड़ी तादाद में यूक्रेन के सैनिक हथियार छोड़कर डोनेस्क से पीछे लौट गए। आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में यूक्रेन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। जंग में यूक्रेन के नुकसान का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। डोनेस्क में यूक्रेन को 6 मोर्चों को खाली करना पड़ा है। यूक्रेन ने यहां 3 बार पलटवार की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। यूक्रेन के 330 सैनिकों की मौत हो गई है। यूक्रेन के क्रांसिलीमन में भी रूस की सेना हावी हो रही है। यूक्रेन के 3 हमले को नाकाम कर दिया गया और यूक्रेन को 120 सैनिकों को गंवाना पड़ा है। क्रांसिलीमन 3 हमले नाकाम हो गए और 120 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं कुप्यांस्क में रूसी के आर्मी ने मजबूती हासिल कर ली है और यहां यूक्रेन के 6 हमलों को नाकाम कर दिया गया जिसमें यूक्रेन के 150 सैनिकों की मौत हो गई। खेरसोन में यूक्रेन का एक D-30 होवित्सर नष्ट कर दिया गया, यहां 55 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं बेलगोरोड में 30 ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया, यहां रूस ने एयर डिफेंस की तैनाती को बढ़ा दिया है। रूस के घातक हथियार और सेना के बड़े जमावड़े के बीच यूक्रेनी सैनिकों के तमाम वार नाकाम हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से हथियारों की सप्लाई के बाद अब रूस अपनी सेना को विदेशी छात्रों की मदद से और ज्यादा ताकतवर बनाने पर काम कर रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस्को विश्वविद्यालयों के पास सेना भर्ती का विज्ञापन लगाया गया। विदेशी छात्रों को सेना में भर्ती होने के लिए कई ऑफर दिए जा रहे हैं। कई रूसी छात्रों को सेना में भर्ती के काम में लगाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई विदेशी छात्रों को सेना में शामिल करके ट्रेनिंग दी जा रही। कुछ छात्रों को रूस से निकालने की धमकी देकर भी सेना में भर्ती किया गया। रूस के कमांडर की नजर चीन, नेपाल, उज़्बेकिस्तान, मिस्र, मोल्दोवा और श्रीलंका के छात्रों पर है। यूक्रेन अभी पूरी तरह लाचार नहीं। यूक्रेन की फौज ने यह साबित करते हुए रूस के सैनिकों पर पलटवार किया और रोबोटाइन इलाके में रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसके अलावा जेपोरिजिया के टोकमाचका इलाके में भी यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार किया और रूस के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा है। रूस की सेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्ध अभ्यास किया। समुद्र में रूस ने सबमरीन को नष्ट करने का अभ्यास किया। रूस ने पैसिफिक फ्लीट के फ्रिगेट को दक्षिण चीन सागर में भेजा। रूसी फ्रिगेट ने यहां हेलीकॉप्टर के साथ तालमेल मिलाकर एक सबमरीन को नष्ट करने का अभियान किया।
रूस की फ्रिगेट से टॉरपीडो का भी इस्तेमाल किया गया है। रूस की फ्रिगेट से एंटी सबमरीन हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। माना जा रहा है कि दक्षिण चीन सागर में ताइवान मुद्दे पर चीन का समर्थन करने के लिए रूस अपनी नेवी की बड़ी तैनाती इस इलाके में कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।